नमस्कार दोस्तों, मैं असन स्वामी सफल कोचिंग सुजानगढ़ से। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। दोस्तों, भारत में भक्ति की शुरुआत दक्षिणी भारत से मानी जाती है और विशेष तौर पूछ ले तो कर्नाटक। दक्षिणी भारत में भक्ति का श्रेय रामानुज को दिया जाता है और दक्षिणी भारत में भक्ति की संप्रदाय या भक्ति का संप्रदाय था, धर्म का जो संप्रदाय था वो दो भागों में बंटा हुआ था। एक अलवार जो वैष्णव भगवान की पूजा करते थे, उसमें 12 संत थे और 12 संत में से प्रमुख पेरियार संत, और पेरियार संत की पुत्री थी अंडाल जो दक्षिणी भारत की मीरा कहलाती है और उसका ग्रंथ है थिरुवाई। दूसरा संप्रदाय है नयनार जो शिव भगवान की पूजा करते थे और उसमें प्रमुख संत थे 63। दोस्तों, उत्तरी भारत में भक्ति परंपरा का श्रेय दिया जाता है रामानंद जी को, जिसमें जिसके 12 शिष्य थे और 2 शिष्या थी पद्मावती और सुरसुरी। आते हैं अपन बात करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है लोक संत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाज संप्रदाय का मुख्य केंद्र? तो कत्रियासर बीकानेर में, कत्रियासर बीकानेर में। गरीबदासी, संतदासी, जगन्नाथ जी, माधुदासी, रजबदासी आदि संतों का किस संप्रदाय से संबंध है? तो दादूपंथ से। राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? दादूदयाल, राजस्थान का कबीर। संत मावजी का जन्म, संत मावजी का संबंध पूछ ले या जन्म पूछ ले तो मेन है डूंगरपुर। संत मावजी ने लसोड़ी आंदोलन चलाया, वो बणेश्वर धाम के निर्माता कहलाते हैं। ये निम्न में से कौन सा विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, देखो जाम्बोजी कहाँ है? आचार्य तुलसी ने अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया 1949 में। सुमिलित कीजिए शेख हमीदुद्दीन नागौर मिलान, मौलाना जियाउद्दीन जोधपुर में मिलान, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर, शेख बाबा इसहाक खाटू में। आंसर होगा 1 नंबर सही। एक शासक एवं संत पिपा किस स्थान से संबंधित है? तो गागरौन से, झालावाड़। नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? सतनामी, खालसा, खाकी, उत्तरादे, नागा, विरक्त। 5 उप संप्रदाय है दादू पंथ के। सुमिलित कीजिए गुदड़ संप्रदाय दाताड़ा यानी भीलवाड़ा में। इसमें देखो M2 का है, M2 इसका मतलब ये गलत हो गया। नवल संप्रदाय जोधपुर में बीम वन नहीं है, इसका मतलब 2 नंबर सही हो गया। चरणदास संप्रदाय दिल्ली और अलख्या संप्रदाय बीकानेर, और अलख्या संप्रदाय के संत हैं लालगिरी महाराज। अलख्या संप्रदाय के स्थापना किसने की? लालगिरी महाराज ने। अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? नवाब अलबहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पोतर। संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता है, आजीविक संप्रदाय। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम हजरत शेख उस्मान अली। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया, दादूदयाल, और मुलाकात करवाई थी टोडरमल ने। निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है? रजबदास जी। एक दिन बन गए थे गजबदास जी, दूल्हा बन करके शादी में जा रहे थे, दादूदयाल जी सामने मिल गए और घोड़ी से उतर गया और जीवन भर दूल्हे की वेश में रहा। प्रधान पीठ है सांगानेर में।
राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा। अगर दूसरी पीठ पूछ ले तो मथुराधीश का मंदिर कोटा में है। अगर आपको गौड़ीय संप्रदाय की पीठ पूछ ले तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। राजस्थान संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र है। संत भूरीबाई मेवाड़, सज्जूबाई मेवाड़, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम था शाहपुरा। प्रधान पीठ पूछ ले तो नारायणा सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पे आया? सांभर में, फतेहपुर सीकरी में। अकबर से मिलने गए थे, किसने मिलवाया? टोडरमल ने मिलवाया। राजस्थान का कौन सा संत जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? दादू दयाल। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर? जोधपुर में। महामंदिर का निर्माण करवाया गया और मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ ने नाथ संप्रदाय की शरण ली। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप से जाने जाते हैं? विष्णु संप्रदाय। 29 नियमों का पालन करवाते हैं। समरातल दोहरा स्थित है। समरातल दोहरा बीकानेर में स्थित है। जाम्बोजी की प्रमुख पीठ। जाम्बोजी की समाधि पूछ ले तो मुकाम में। जाम्बोजी का जन्म पूछ ले पिपासर नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? नाथ संप्रदाय नहीं है, बाकी सब निर्गुण। राजस्थान के वे संत कौन जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए? धन्ना जी या रामानंद जी के जाकर शिष्य बने। सॉरी, धन्ना जी टोंक के। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान में किस रियासत राज्य में हुई? बीकानेर में। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे? सलेमाबाद, अजमेर में। निम्बारक के चार्य की सिद्धांत पूछे द्वैता द्वैतवाद। इसकी और संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय। डूंगर जी जमार जी किस जिले से? नीम का थाना सीकर। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम किसे जाना जाता है? हमीदु उद्दीन नागौरी को। इसने नागौर में गिनानी तालाब का निर्माण करवाया। गिनानी तालाब के पास में शुक्र तालाब जिसका निर्माण अकबर ने 1570 नागौर दरबार के समय करवाया। राजस्थान में शिव को मानने वाली रियासत कौन सी? उदयपुर नहीं है तो जोधपुर। जोधपुर शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित शाहपुरा में तो राम सनेह संप्रदाय की। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत के द्वारा लिया गया? जामोजी के द्वारा। दाऊदी बोरा समुदाय की प्रमुख उपासना स्थल गलियाकोट। आचार्य तुलसी का संबंध किस जिले से? लांडनों से। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की। मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव, मेड़ता रियासत नागौर में। वर्तमान में कुड़की गांव पाली में है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण जाति नहीं पूछता। रामानुज। बोलो राम सा पीर बाबे की जय हो बाबा रामदेव। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत लालदासी। लालदासी संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। इनका जन्म हुआ धौली धूप अलवर में। इसकी पीठ है नगला भरतपुर में। इसके जो शिष्य बनते हैं उसको गद्दे पर बिठाकर शहर में भ्रमण करवाते हैं घमंड तोड़ने के लिए।
नगला किस संप्रदाय से संबंधित? लाल दासी संप्रदाय से। भक्त कवित्री करमाबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी मानी जाती है? नागौर की। संत पीपा की गुफा कहाँ पे? टोडा टोंक में। जन्म गागरौन में, छतरी गागरौन में। मंदिर समदड़ी बीकानेर में। भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले थे दादू दयाल जी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम? राजकुमार भोजराज। 1517 में खातौली के युद्ध में वीरगति प्राप्त होगी। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक है लकुलिस। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक में। रामानंद जी के शिष्य थे। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी राजपूताना कुली नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। विवाह किया था। गुजरात की नहीं थी, मध्य प्रदेश की नहीं थी, तीनों गलत थे। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। विष्णु संप्रदाय के पर्वत गुरु जामेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान, मुकाम, समाधि। अगर पीठ फूसले समराथल, जन्म फूसले पिंपासर नागौर। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आगे ऐसे ही वीडियो में देता रहूँगा। धन्यवाद।